नमस्कार, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी प्रस्तुत हूँ इस वीडियो में कोरोना के इलाज में प्रयुक्त हो रही दवाओं की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। दिसंबर 2019 से चीन में तबाही की शुरुआत करने वाले कोरोना को दुनिया भर में फैलते फैलते 3 माह से अधिक का समय हो गया, परंतु अभी तक इस बीमारी की कोई एक अचूक दवा नहीं बन पाई। दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक दवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 100% सफलता चीन और अमेरिका को भी नहीं मिली है। अभी तक भारत सहित अन्य देशों में कई दवाओं को मिलाकर कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आइए जानें कौन सी दवाएं हैं जिनसे कोरोना का इलाज चल रहा है। भारत के सिक्किम में इप्का लेबोरेटरीज की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट मेडिसिन को तैयार करने में 4,000 कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। 51 लाख टैबलेट तैयार हो चुकी हैं। 75 लाख टैबलेट लेकर केंद्र सरकार देश के 27 राज्यों में कोरोना पीड़ितों का उपचार कर रही है। इस दवा के साथ अन्य दवाएं भी डोज में दी जा रही हैं। इस दवा को बनाने के लिए कंपनी के पास 1.5 माह का स्टॉक है, इस कारण अमेरिका को भी मांगने पर यह दवा नहीं दी जा रही। चीन और अमेरिका में अभी कोरोना की दवा बनाने का ट्रायल चल रहा है। बेंगलुरु के डॉक्टर विशाल राव ने कुछ दवाओं को मिलाकर नई दवा बनाने का दावा किया है और समीक्षा के लिए केंद्र सरकार से आवेदन किया है। देश और दुनिया में पहले से ही मौजूद 7 दवाओं से उपचार हो रहा है। WHO भी इसका परीक्षण कर रहा है। इनमें से 2 दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चिकित्सकों को दी है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया की दवा क्लोरोक्वीन के साथ एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन देने से COVID-19 का तेजी से इलाज हो रहा है। इस फार्मूले से 25% मरीज 6 दिन में ठीक हो रहे हैं। 2 दवाएं लोपिनावीर तथा रेटेनोवीर को भी ICMR ने आजमाने की सिफारिश की है। ये दवाएं HIV/AIDS के इलाज में इस्तेमाल होती थी। चीन और भारत में ये दवाएं काफ़ी दिनों से आजमाई जा चुकी हैं और मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अभी तक सबसे प्रभावी दवा जापानी फ्लू की दवा फविप्रावीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे 4 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। वोला की दवा रेडमेसिविर को भी कोविड में प्रभावी माना जा रहा है। यह सार्स और मर्स जैसी बीमारियों से लोगों का बचाव करने में सक्षम साबित हुई थी। तो दोस्तों, देश और दुनिया में ये थी दवाएं जिनसे कोरोना का उपचार हो रहा है और लोगों को राहत दी जा रही है। अन्य दवाओं पर भी शोध और खोज जारी है। देश दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना से बचाव की एक टीका या अचूक दवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि अब वैज्ञानिक और डॉक्टरों को इस काम में सफलता कब तक मिलती है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल।